हेलो स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेड फोर ब्लॉक 17, सेंस ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के संत। स्टूडेंट्स, हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हो चुके हैं, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, चक्रधर स्वामी। तो आइए देखते हैं इस लेसन में चक्रधर स्वामी एंड संत नामदेव। अ ट्रेडिशन ऑफ संत्स बिगेन इन महाराष्ट्र विद श्री चक्रधर स्वामी एंड संत नामदेव। इट कंटिन्यूड विद मेनी अदर संत्स हु came from different levels of society. They included Sant Tukaram and Sant Eknath. These saints spread the message of compassion, peace, equality and brotherhood among the people. अब इन संतों ने सिर्फ एक ही काम किया है कि इन्होंने लोगों के बीच में जो kindness for others है, इसका मैसेज दिया है, शांति का मैसेज दिया है, एक ही से रहो ये मैसेज दिया है, और हम ब्रदरहुड से रहेंगे ऐसा मैसेज उन्होंने दिया है। श्री चक्रधर स्वामी, श्री चक्रधर स्वामी सी इन दिस फिगर, ये चक्रधर स्वामी हैं, वाज अ प्रिंस ऑफ गुजरात। ही बिकेम अ मॉन्क एंड मूव टू महाराष्ट्र। ही ट्रेवल्ड अराउंड महाराष्ट्र एंड स्प्रेड द मैसेज दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल। सो मेनी मेन एंड वुमेन बिकेम हिज फॉलोअर्स। ही ऑल्सो बिलीव दैट पीपल from all castes should be treated equally. He formed a group named Mahanubhav. Incidents from his life have been put together in a book called Leela Charitra. तो श्री चक्रधर स्वामी ये गुजरात के थे और वो संत बने। उन्होंने संत बनने के बाद इक्वालिटी का मैसेज दिया कि मेन और वुमेन सब इक्वल है, सब कास्ट के लोग भी इक्वल है। अब संत नामदेव के बारे में जानते हैं। संत नामदेव, ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया है संत नामदेव के बारे में। तो संत नामदेव क्रिएटेड मेनी सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ गॉड। ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड टॉट पीपल टू फॉलो गॉड। ही लेटर ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव टू द पीपल। ही स्पेंट many years in Punjab and spread the message that everyone is equal. Some of the songs created by him are a part of the Guru Granth Sahib, which is the holy book of Sikhs. Some of his songs are still sung by people in Maharashtra. Maharashtra ke great sant yani Sant Namdev ka kiya jata hai, naam liya jata hai, और उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग बनाए। वो पूरे महाराष्ट्र में घूमे हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी घूमे हैं। अब उन्होंने स्प्रेड जो मैसेज किया है वो मैसेज एक गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख की होली बुक है उसका पार्ट है, और आज भी उनके जो गीत हैं वो महाराष्ट्र भर में गाए जाते हैं। अब नेक्स्ट संत इज संत ज्ञानेश्वर। ये देखिए इस पिक्चर में आपको ज्ञानेश्वर का फोटो दिख रहा है। संत ज्ञानेश्वर वॉज फ्रॉम अपेगांव, महाराष्ट्र। अपेगांव से थे वो। ही हैड टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। व्हेन हिज फादर वॉज यंगर ही हैड लेफ्ट होम टू बिकम अ सन्यासी। दैट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज टीचर ही रिटर्न होम टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। द रिलीजियस लीडर्स डिड नॉट थिंक दिस वॉज राइट। दे इल ट्रीटेड द चिल्ड्रन एंड सेंट हिम अवे फ्रॉम देयर होम। This made ज्ञानेश्वर very sad. उनके पापा जो थे वो सन्यासी बन गए थे, पर उनके टीचर ने उनको कुछ सिखाने के बाद वो फिर से घर पे लौट आए। पर यही वैसे वजह थी कि सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और ये उन्हें वापस भेज दिया उनके फैमिली के से दूर। तो ये इससे संत ज्ञानेश्वर बहुत ही दुखी हो गए थे। ड्यूरिंग ज्ञानेश्वर टाइम रिलीजियस बुक्स वेयर रिटन ओनली इन संस्कृत विच मेनी मराठी स्पीकिंग पीपल कुड नॉट रीड। He wrote Gnaneshwari in Marathi, a religious book based on Bhagavad Gita. With this, common people could read the book and increases their knowledge. Sant Gnaneshwar spread the message of equality and asked people to help those in trouble. For the last 700 years, Sant Gnaneshwar's words have been followed all over the महाराष्ट्र। संत ज्ञानेश्वर इज ऑल्सो कॉल्ड ज्ञानवा। ज्ञानेश्वर लेफ्ट द वर्ल्ड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 21 ईयर्स एट आलंदी नियर पुणे। लैक्स ऑफ पीपल विजिट आलंदी
पंडरी इवन टुडे विथ डिवोशन। अब संत ज्ञानेश्वर जो थे उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी मराठी में। उस टाइम पे तो संस्कृत में ही लिखा जाता था सब, तो इसलिए कॉमन पीपल को समझने के लिए उन्होंने ज्ञानेश्वरी मराठी में लिखी। और उनके उन्होंने जो मैसेज स्प्रेड किया वो इक्वालिटी का था कि कोई भी लोगों को तकलीफ दिए बिना समान रहना चाहिए। और ज्ञानेश्वर ने बहुत जल्दी ही ये वर्ल्ड को त्याग दिया। 21 ईयर्स में ही आलंदी में उनकी समाधि है पुणे के नज़दीक। और आज भी बहुत लाखों लोग वहाँ पर विजिट करते हैं बहुत भक्ति के साथ। वीडियो में देखा संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के बारे में। आज हम जानेंगे संत एकनाथ के बारे में। संत एकनाथ, ये देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा है, संत एकनाथ लिव्ड इन पैठन महाराष्ट्र। ही कैरिड फॉरवर्ड द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। अब उन्होंने, संत ज्ञानेश्वर और नामदेव ने जो काम शुरू किया था वो आगे लेके गए संत एकनाथ। ही प्रीच मतलब गेव रिलीजियस टीचिंग्स टू द पीपल, लोगों को रिलीजियस टीचिंग देना। दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू बिलीफ एंड प्रेयर्स, ऑल्सो नोन एज द भक्ति मार्ग। ही थॉट देम हाउ टू फॉलो द भक्ति मार्ग। ही एडवाइज पीपल टू ट्रीट एवरी वन इक्वेलिटी। ही मेड फ्रेंड्स विद द पुअर एंड विद दोज हु वेयर इल ट्रीटेड। ही एनकरेज पीपल टू लव ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ऑल्सो प्रैक्टिस वॉट ही प्रीच्ड। ही रोट मेनी रिलीजियस सॉन्ग्स, अभंगास, ओबीज एंड भारूड्स। तो इस तरह से संत एकनाथ ने जो काम किया है वो टीचिंग का है, लोगों को रिलीजियस बताया उन्होंने, रिलीजन बताया और भक्ति मार्ग उन्होंने अपनाया है। उन्होंने एडवाइस किया लोगों से कि आप इक्वल रहो, मतलब सभी संतों ने यही एडवाइस किया है कि आप इक्वलिटी से रहो और गरीबों से दोस्ती करो और जो भी कोई लोग ट्रबल में हैं उनसे दोस्ती करो और उन्हें अच्छा ट्रीट करो। उन्होंने लोगों को प्यार करना सिखाया और उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग्स लिखे, अभंग, ओबीस और भारूस इस जैसे। अब संत तुकाराम एंड संत रामदास, अब देखते हैं। ये देखिए संत तुकाराम का फोटो है और ये है संत रामदास। अब संत तुकाराम एंड संत रामदास लिव्ड ड्यूरिंग शिवाजीज टाइम बिटवीन 1630 एंड 1680 CE। अब ये दोनों भी शिवाजी महाराज के टाइम के संत थे। संत तुकाराम केम फ्रॉम दोहा नियर पुणे, पुणे से आए थे, दोहा से। ही यूज टू सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड विथन। ही रोट रिलीजियस सॉन्ग्स सच एज अभंगास एंड परफॉर्म्ड कीर्तन्स। थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज टू लिसन टू हिम। शिवाजी टू अटेंडेड हिज कीर्तन्स। ही टॉक्ट अबाउट बींग काइंड टू एवरी वन एंड अबाउट फॉरगिवनेस। ही ऑल्सो स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी। पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ रिलीजियस लीडर एंड प्रेज हिम। अब संत तुकाराम जो थे उन्होंने इक्वालिटी का ही मैसेज दिया लोगों को और उन्होंने बहुत सारे कीर्तन और अभंग भी लिखे। शिवाजी महाराज ने भी उनके कीर्तन सुने थे और उन्होंने सबको फॉरगिवनेस मतलब सबको क्षमा करनी चाहिए ये मैसेज सबको दिया। अब समर्थ रामदास के बारे में देखते हैं। रामदास वॉज बॉर्न एट जाम नियर द गोदावरी रिवर इन मराठवाड़ा। ही वॉज बॉर्न ऑन रामनवमी द डे लॉर्ड राम वॉज बॉर्न। दो हिज नेम वॉज नारायण। ही वॉन्टेड टू बी कॉल्ड रामदास मीनिंग सर्वेंट ऑफ राम। ही रोट अ बुक कॉल्ड दास बोध विच टीचेस हाउ वी कैन हैव अ गुड लाइफ। ही ऑल्सो रोट मनाच श्लोक विच मीन्स मैसेजेस टू द माइंड। दिस बुक टीचेस हाउ वी कैन हैव गुड थाट्स एंड हाउ टू बिहेव वेल। ही मेड टेम्पल्स ऑफ हनुमान द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। ही एनकरेज पीपल टू बी स्ट्रांग एंड टॉट दैट द गॉड द यूनिटी हैड अ लॉट ऑफ पावर। ही टॉट पीपल टू अनटाई एंड फाइट अगेंस्ट रॉन्ग। हिज टीचिंग्स गेव करेज टू मैनी पीपल। द वर्क एंड टीचिंग्स ऑफ संत्स गेव अ लॉट ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस टू पीपल एंड ब्रॉट देम टूगेदर। दिस ब्रॉट अबाउट अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रियलाइज।
दिस अवेकनिंग अमंग द कॉमन मैन हेल्प शिवाजी इन हिज फाइट अगेंस्ट द मुगल्स। तो संत रामदास ने जो मैसेज दिया वो प्यार का था और सबको इक्वल रहने का था। उन्होंने दासबोध नाम का ग्रंथ भी लिखा था और मनाचे श्लोक जो आज भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, मतलब मैसेज टू द माइंड, थॉट्स टू द माइंड, और उसमें लिखा गया है कि अच्छी लाइफ हम किस तरह से जी सकते हैं। तो इस तरह से ये जो संतों ने सिखाया हुआ जो भी थिंग्स हैं वो हमें मन का शक्ति देती है, सेल्फ रियलाइंस, और जिससे कि दिस इज अवेकनिंग। अवेकनिंग मतलब बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग, हमें जगाती है कॉमन मैन को, और वही हेल्प शिवाजी के लिए भी हेल्प हुआ उसका, जो कि मुगल्स के अपोज में लड़ सके। तो इस तरह ये संतों की हमारी भूमि है महाराष्ट्र, जिसमें संतों ने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं और उनके मैसेजेस हम रीड करके हमारी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।